एक तो चोरी उस पर सीना जोरी। मैं हूं मन्नान और आप मेरा देख रहे हैं चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बात जो मैंने अभी की ये है शाहीन शाह अफरीदी की कि एक तो आप बॉलिंग सही नहीं कर रहे, ऊपर से आपकी पेस खत्म हो गई और ऊपर से आप चौवले मार रहे हो न्यूजीलैंड पहुंच के। जब आपसे किसी ने सवाल किया कि आपकी वो पेस नज़र नहीं आ रही जो आपकी पहले पेस थी ऑस्ट्रेलिया में, आपने जिस तरह जिस पेस पे आपने बॉलिंग की, तो मौसूफ की बड़ा बातें सुने। वो फरमा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्पीड गन मशीन्स थी, जिन्होंने जो स्पीड को चेक कर रही थी और स्पीड बता रही थी, वो ख़राब थी। इससे बड़ा चौवल कौन क्या होगा, शाहीन शाह अफरीदी से बड़ा चौवल कोई नहीं होगा। उन्होंने जो चौवल मारी है, आप पूरी दुनिया में हम मजाक बन जाते हैं, हम अपने सर शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। आप ये कह रहे हो कि आपकी पेस वही है, मशीन ख़राब थी और वो भी ऑस्ट्रेलिया की मशीन ख़राब थी। वो जहाँ दूसरे फास्ट बॉलर्स की स्पीड सही बता रही है, इवन आमिर जमाल की स्पीड बता रही है, और वहाँ आपकी अगर स्पीड बताए तो वो आपकी स्पीड पे वो मशीन ख़राब हो जाना और कहना कि नहीं जी उसकी मशीन ख़राब थी, उसकी उसने सही स्पीड नहीं बताई। यकीन कीजिए मैं बोलना नहीं जा रहा हूँ, उससे इतना मैं खुद अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा हूँ इस बात को आपको तक पहुँचाने के लिए। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैं खुद शॉक में था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। ये इंतहाई शॉकिंग वाली बात है। एक तो शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि एक तो वो डिज़र्व नहीं करते T20 कप्तान बनना, दूसरा ये कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उनकी टीम में खुद की जगह नहीं बनती, ठीक है। तीसरा ये कि एक तो पाकिस्तान 2-0 से सीरीज हार गया, तीसरे में अपने आप को रेस्ट करा के बैठ गए, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है कि मुझे T20 खेलना है। आप शॉर्टकट के, आपको मैंने पहले भी कहा था, आप लाहौर कलंदर्स के तो अच्छे कप्तान बन सकते हो लेकिन आप पाकिस्तान के लिए अच्छे कप्तान नज़र नहीं आ रहे। लाहौर कलंदर का कप्तान बनना और पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कप्तान बनना बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो पहले T20 में हमने देख ही लिया आपकी कारकर्दगी, आपकी कैप्टेंसी, तो हमें आगे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फोकस अपनी स्पीड पे कीजिए, अपनी लाइन पे कीजिए, अपनी लेंथ पे कीजिए। ये चवले माना बंद कीजिए, अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए, मानिए कि हाँ आपकी स्पीड कम है, हम पागल नहीं है, दुनिया पागल नहीं है। कि वो जो बार बार इतने बड़े बड़े कमेंटेटर्स, इतने बड़े बड़े एक्स खिलाड़ी ये बातें कह रहे हैं कि आपकी स्पीड कम हो गई, नज़र आ रहा है हमको आपकी एवरेज स्पीड 134 135 के लगभग चल रही है किलोमीटर पर आवर्स, और या और आप ज़्यादातर वैसे 128 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं। तो 128 134 135 वाला कोई फास्ट बॉलर नहीं होता, ये मीडियम पेसर होते हैं। हमने आपको स्ट्राइक बॉलर समझा, हमने आपको फास्ट बॉलर समझा, आपने तो अपनी पेस ही इतनी नीचे कर दी कि आप अब तो मीडियम पेसर के तौर पे आ गए और उस पर आप ऐसी चवले मार कर रहे हो और वो भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये बातें कर रहे हो। मैं बहुत हैरान हुआ ये बातें सुन के कि आप ऐसी बन मार कैसे सकते हैं। फोकस कीजिए अपनी बॉलिंग पे, कम बात कीजिए कम अच्छा होगा। ये जो चवले मार रहे हैं ना, इससे आप ही का नुकसान होगा और किसी का नहीं। हम पाकिस्तानी तो हो ही जाते हैं हर जगह जाके जलील कि भाई हमारे प्लेयर ने ऐसी भंड मार दी है, ऐसी चवल मार दी है, लेकिन क्या करें, आप ऑस्ट्रेलिया की मशीन्स को गलत कह रहे हैं बनिस्बत ये नहीं मान रहे कि हाँ यार मेरी स्पीड कम हो गई है। मेरा आप ये भी कह सकते थे कि मेरा थोड़ा रिदम का इशू था, मेरी थोड़ी उसका मसला था, वक्त के साथ साथ पेस आ ही जाएगी, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही टोटल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके एक अलग चौबल मार दी, जैसे कहते हैं ना उड़ता तीर लेना, वो ले लिया कि यार मशीनें ख़राब थी ऑस्ट्रेलिया की। हमने देख लिया आपकी स्पीड अभी न्यूजीलैंड में भी, क्या न्यूजीलैंड की भी स्पीड ख़राब, जो स्पीड आ रही है क्या न्यूजीलैंड में भी स्पीड की मशीन ख़राब है क्या, जो स्पीड चेक करने वाली मशीन है। तो ऐसी बातें ना किया करें शाहीन शाह अफरीदी, आपकी परफॉर्मेंस पहले ही बहुत ख़राब चल रही है। एशिया कप में आपने देखा, वर्ल्ड कप में आपने देखा, आप और हारिस रऊफ तो रन मशीन बने हुए थे। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में हारिस रऊफ भाग गए, आपने बॉलिंग की, तीसरे टेस्ट मैच में आप भाग लिए, आपकी T20 पहला हुआ उसमें आप खुद बहुत जलील तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रही, ये आपने रिकॉर्ड बनाया, हाईएस्ट रन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 24 रन हाईएस्ट एक ओवर में आप खा गए। तो फोकस बॉलिंग पे करें, ना ही इससे चवलों पे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी मर्जी है, हम आपको सिर्फ एक मशवरा दे सकते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह और बाकी देखने वाले लोग आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सिर्फ अभी इतना ही, अल्लाह निगहबान होगा, अल्लाह हाफिज़।